यो खोला एकदम ठुलो छ है तपाईहरु स्कुटीबाट जान सक्नुहुन्न तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ भने बाइक गरेर अर्को दाहिने बाटोबाट तपाई जान सक्नुहुन्छ एकदम ठुलो छ है तपाईहरु स्कुटीबाट जान सक्नुहुन्न तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ भने बाइक गरेर अर्को दाहिने बाटोबाट तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ हुन्छ दाजु थ्याङ्क यू हेलो फ्रेंड्स गुड मर्निंग टु ऑल वन्स अगेन वेलकम टु माई च्यानल तो आज हम लोग घुम्ने जा रहे हैं वेस्ट सिक्किम तो हम लोगों का क्या था प्लान आज बहुत कुछ ही था बट सुबह पे हम लोगों ने प्लान किया था 7 बजे से निकलेंगे बट सुबह से इतना बारिश हो रहा है और इतना बारिश हो रहा है मतलब उसके लिए हम लोगों का बहुत लेट हो गया मतलब जैसे अभी जो टाइम है ऑलमोस्ट 10 बज चुका है तो 7 बजे या और 10 बजे बस तो समझ रहे हैं ना तो 10 बजे हम लोग ने निकले हैं और अभी थोड़ा वेदर धीरे धीरे मतलब चेंज हो रहा है जैसे मतलब रात से पूरा बारिश हो रहा था अभी सुबह पे मतलब धीरे धीरे वेदर चेंज हुआ उसका बाद हम लोगों ने 10 बजे निकले और पहले रास्ता का वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे भी बारिश चल रहा था अभी थोड़ा बारिश कम हुआ है उसका वजह से हम लोग निकल पड़े और दाजू ने जो बात किया है इसका पहले एकदम फर्स्ट में जो बात किया था दाजू ने तो उन्होंने बोला है सामने एक हम लोग का खोला पड़ेगा वो खोला में क्या है अभी बहुत पानी बह रहा है बारिश की वजह से बहुत पानी हो रहा है पानी का लेवल भी बढ़ चुका है और बेसिकली ये थोड़ा खतरा है स्कूटी नहीं जा सकता है इतना मतलब लेवल बढ़ चुका है उस पर मोटरसाइकिल जा सकता है मेरा मोटरसाइकिल है और लेफ्ट साइड से जाने के लिए बोल रहा है तो वो एरिया अभी आने वाला है और वो खोला का नाम है खिंची डेंगी कुछ ऐसे कुछ नाम है खिंची डेंगी खोला ऐसे कुछ नाम है तो ये खोला अभी आ गया है आप देख पा रहे हैं और थोड़ा सा मैं जाता हूँ और क्या है अब मैं बोल रहा हूँ सामने अरे बाप रे कितना है यहाँ पे बहुत सारा जन यहाँ पे आ चुका है और क्रॉस करने के भी सोच रहा है नहीं कर पा रहे ये लड़के मुझे देख रहा है क्या लेके जा रहा रिक्स बहुत है पहले मेरा एक दोस्त ने क्या किया उसका जो स्कूटी था वो स्टार्ट किया है देख पा रहे हैं आप कितना मतलब बाप रे बाप बहुत लेवल बहुत है ये वो जाने के बाद फिर से मेरे को जाना पड़ेगा ठीक है उसको देख देख के मैं भी चला जाऊंगा शायद धीरे धीरे जाना पड़ेगा जैसे ने जैसे दाजू ने बोला है क्योंकि वो तो लोकल ही है अरे बाप रे कितना कितना पत्थर दे दिखा है बहुत सारा पत्थर है अरे बाप रे बहुत हो रहा है अरे बाप रे इंजन रुक गया फिर से ऑलमोस्ट हम लोग क्रॉस कर चुका हूँ क्रॉस हो गया थैंक यू थैंक्स फॉर चेपे भाई को नहीं मेरा तो अंदर लड़ा से बुढोले बुढो खुट्टा लामो रहेछ नि लडाउँदै रहेछ है अच्छा से लेके आया तो फ्रेंड्स अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ये देखिए सामने एक हम लोगों को टनल मिला है ये वो सिक्किम जाने वाला ये टनल है एकमात्र टनल है और ये टनल के पहले भी और एक टनल था बट ये फिलहाल नया बन चुका है और इधर पे देखा है फ्रेंड्स कितना अंधेरा है बाप रे बाप जाने में डर लग रहा है मेरे को मेरे छोड़ के और कोई भी गाड़ी नहीं है आसपास पर देखिए तो कितना अंधेरा है इधर में और ऊपर से धीरे धीरे मतलब कैसे है थोड़ा थोड़ा करके पानी नीचे गिर रहा है मतलब क्या बोले बाप रे बाप
बाप कितना अंधेरे है, डरावना जगह जैसे लग रहे हैं। पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लाइट का वजह से दिख रहा है। ये देखिए अभी तो एक गाड़ी आया है, लग रहा है अभी टनल ओपन होगा। कितना बड़ा टनल रे बाप, ये देखिए अभी टनल ओपन हो रहा है। और वाह कितना सुंदर सामने नज़ारा है। राइट साइड पे मेरा क्या है ये जगह, ऋषि है, ऋषि कोला है राइट साइड में। और हम जो जा रहे ये जगह मतलब रातों पानी बोलते हैं वो जगह को। और फ्रेंड्स वो ऑलरेडी एरिया क्रॉस कर चुके हैं। एक्चुअली वहाँ पे एक अच्छा वाला स्पॉट भी था, जो स्पॉट का नाम है गुम्पा केव, तातोपानी हॉट स्प्रिंग गुम्पा केव, ये सब कुछ मिलता है। और फिलहाल हम लोग गेजिंग में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। ये गेजिंग वाला रोड है और हम लोग अभी उतना ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स to 15 मिनट्स लगेगा पहुँचने के लिए। हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट था रबधन से रुइंस, हम लोग वो फर्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे। और उसके पहुँचने के लिए अभी लगभग 15 मिनट्स ऐसे कुछ लगेगा। तो तब तक और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप रास्ता को एंजॉय कीजिए और पूरा पहुंचने के बाद वहां पे क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब एक साथ पे बोलेंगे, ठीक है, देखते जाइए। फ्रेंड्स गूगल मैप का हिसाब से हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हॉटस्पॉट। मेरे को जैसे लग रहा है ये राइट साइड का जो ये दिख रहा है यही स्पॉट होगा शायद। हाँ, मेरा साथी लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अरे क्या हो रहा है, ठीक है मैं अभी पहुंच चुका हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग रबधन से रुइंस को आ गया है, रबधन से आ गया है और आके यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग। देख लीजिए बैकग्राउंड, देखिए पूरा जंगल के भीतर से जाना पड़ रहा है। ये देखिए पूरा जंगल है। तो अभी हम लोग को छोटा ट्रेकिंग करके ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो जाएंगे ऊपर पे, ऊपर पे जाके क्या दिख रहा है ऊपर पे हम दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स ये सिक्किम का पहला राजधानी था, ठीक है। तो पहला राजधानी गेजिंग में ये जगह में पहले राजधानी था और उसका बाद शिफ्ट हुआ है रूमटेक और उसका बाद शिफ्ट हुआ है राजधानी आपका पेलिंग। पेलिंग के बाद राजधानी शिफ्ट हुआ है। फिलहाल अभी का जो का राजधानी है सिक्किम का वो क्या बोलते हैं गैंगटॉक। तो यही है इसका हिस्ट्री। और यहाँ पे राजा भी था, राजा का ये फोर्ट है। तो यही है, हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, घूमिए और एंजॉय कीजिए। कर दीजिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट पे हम लोग घूमने जा रहे हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग वेट कीजिए और देखिए और दबा के सब्सक्राइब मारिए। टाटा।